मैं मोहन लाल शर्मा सरपंच पंचायत हलका गरवाल। ये गरवाल के बच्चे एक बड़ा पुराना काम ही जोड़ा बड़ा मतलब कि 47 का जो कोई ऐसा साढ़ा रोड जो बड़ी देर का पुराना बंद पेदा ही और इसी रोड का भरा अज जो असं उद्घाटन किया इधर रोड का काम जो शुरू करवाया गया और जी इस रोड की जी लागत है वह है कोई 6 लाख रुपया और 6 लाख के बच्चे ये ब्लैक टापिंग भी है रखी दी और बिच जो निके मोटे बच्चे कुछ जो नालिया शालियां ने उनके पाइपा शाइपा जो बिच रखी दी तो बड़ी देर की मांग ही साढ़े ग्राएं लोगों की बड़ी देर ही और काफ़ी देर अस पहले बड़े बड़े लीडर अगे अगे पिछले बड़ी रिक्वेस्ट की ही लेकिन अस शुक्रिया अदा करने इस वेल जी मोदी सरकार का कि जिन्हें साड़ी पंचायतें ने इस वेल गलबात सुनी है और जो अस अपना हक जो पंचायत पी आर आई का जो राइट वो सानू अज पूरा मिला है अस अपनी मर्जी कन्नै जेड़ा अस पंचायत जो अपने लोग पंच सरपंच जो कोई काम जिन्हें लोग सानू दसदे अस उस काम ही करी सकदे आ और धन्यवाद करने अस नरेंद्र साहब मोदी साहब का उनका शुक्रिया अदा करने कि जियां पी आर आई तुसें 3 टायर सिस्टम बनाया अगे भी इं जी अगले पंचायत इं चलते रहो इन्ना ही आखते जय फायदा मिलेगा गाँव के लोगों को जे इस जो रोड जे हमारे जो जो रोड साढ़ा जो बना है यदा फायदा सानू एक खाली गुरुवाल ही नहीं है यदा फायदा साड़ी बड़ाली फायदा दोल चक्के फायदा साड़ा रस्ता सीधा विजयपुर चली जाना कृपालपुरी रस्ता यह सीधा इतने दोल चक्के साड़ा रडवा रस्ता निकली जाना ये कन्ने कन्ने असं एक अपरूवल होर भेजी है जिसे भी इस वे अलाटमेंट जी हो चुकी है लेकिन वह टेंडर लगे वो कोई 3 करोड़ 20 लाख रुपए का लेकिन उसका काम हाली जो टेंडर लगता है वह बाद जो काम शुरू होना है और ये साड़ा एक जो ये रोड है जो एक लिंक रोड बनी है ना सू विजयपुर जो इतना सू 2 किलोमीटर बनना सू इधर तो सू बड़ी एक राहत मिली साढ़े लोगों की सू खाली गुरुवाल ही राहत मिली जो सा 10-15 ग्रां है इन्हें लोगों भी इसकी राहत मिली है आगे भी इस तरह से पंचायत में डेवलपमेंट जारी रहेगी आगे भी रहेगी और चलती रहेगी पीछे रही आगे रही और कोशिश है कि इससे भी आगे ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे।